बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू गिरिराज को उठा ले। भगवान गिरिराज को उठा ली। इंद्र ने पूरा जी जान लगा दी। संबर तक मेघ अनचास पवन, इतने मुसलधार से इंद्र भी वज्र प्रहार कर रहा था। लेकिन जब 7 दिन समाप्त हो गया, इंद्र एक दूत को भेजा, देख कर कहो ब्रज का क्या अवस्था है। वो दूत केवल उसने ऊपर ऊपर देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म, ब्रज सत्यानाश हो गए। इंद्र ने और एक को भेजा, भैया तू देख रहे क्या, वो तो ऊपर देख कर गया था, वो नीचे आया, देखा तो ब्रज में धूल उड़ा रहा है, ब्रज में एक चिट्ठी तक भी है, चिट्ठी तक भी मरे नहीं। इंद्र तो सोच रहा था ब्रज में कोई विपत्ति आ जाएगी, वो विपत्ति नहीं, वहां पर तो सबके सब होली मच रहा था। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे उसने जब वापस गया, इंद्र ने पूछा ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रज का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तू बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रखा, और सारे ब्रजवासी उसको नीचे सब आनंद ले रहे थे। इंद्र ने देखा भैया ये है कौन, तो उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा, जिसने मुझे कृपा करके वामन अवतार में हमें ये स्वर्ग राज्य दिया था, ये तो मेरे प्रभु है। इंद्र इतने डर गया, लगा मेरे इंद्रपद ही गया, इंद्रपद ही मेरे गया। उसने आ करके फिर गुरु जी को पास में आए, बृहस्पति को पास में, बोले गुरु जी अभी बता मैं क्या करूं। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाओ ब्रह्मा जी को पास में चलो। ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ब्रह्मा जी बोले सर्वनाश कर दिया तुमने, ये ऐसे एक अवतार कृष्ण हुए ना, जितने सारे अवतार, जितने सारे देवता का अभिमान को इन्होंने चूर चूर किए हैं। मैं भी कुछ दिन पहले बुरे तरह से फंस गया था। बोले अब भी फंस गए थे। बोले कैसे, बोले जब भगवान कृष्ण अघासुर को वध की, सारे देवताओं ने जयकार लगाई, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयकार लगाई वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा। मैंने सोचा भैया क्यों ब्रज में जय जयकार क्यों हो रहे हैं, मैं भी नीचे उतर करके आया, देखा कृष्ण का उम्र केवल 5 साल का था, लेकिन उसने विशाल राक्षस को वध किया, अघासुर को वध किया।
और क्या देखा, उसका ज्योति आ करके फिर कृष्ण को शरीर में समा गया। मैं क्या भैया बालक कौन है ये, इसका ज्योति ब्रह्म ज्योति जिनकी चरण में समाया। मैंने थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण का बछड़े और सखा को चोरी की। कृष्ण ने क्या की, एकदम बछड़े सखा अपना शरीर से ही प्रकट कर दी, और मैंने छुपा करके जब ब्रह्म लोक में पहुंचा ना, और मैं पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके मेरे आसन को दखल कर लिया। और उनके जो चौकीदार थे बोले खबरदार, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया को घूमते हुए, कोई आए ना घुसने मत दिया करना। जब मैं वहां पहुंचा मेरे जो नौकर लोग थे वो मेरे को डंडे लेकर के बाहर निकले दौड़े, मेरे ही नौकर बोले तू कहां से आ गया। प्रभु जी सही कह रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया को, अरे हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे, तू कहां से आए। ब्रह्मा भैया ये क्या बात है, ये मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, देखा ये और कोई नहीं, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु ही ब्रह्मा बन करके बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा जी हंस वाहन को ऊपर से कूद गए, सीधा कृष्ण को चरण में लेट गए, और अपना आंखों से प्रभुओं की चरण की चरण को धोते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले ये कृष्ण कौन है, बोले अनादि की जो आदि है, ये जितने सारे कारणों का जो मूल जो कारण है ये कौन है, बोले ये भगवान कृष्ण है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। फिर तो वो समझ गए, समझते हुए उनने 40 श्लोकों को द्वारा स्तुति किए है। हम एक दो श्लोक सुनते, बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिताम् श्रुतिगताम् तन्वांग मनोभि जे प्रायस अजित जितोपि त्रैलोक्याम्। भगवान का एक नाम है अजीत, आ मतलब नहीं, जीत मतलब जिनको जितना पाना बहुत ही कठिन है, भगवान का नाम अजीत है। प्रश्न है फिर क्या भगवान मिलेंगे नहीं करे, बोले हाँ मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे, बोले हमारी अंदर में जितने अभिमान है, पहले सारे अभिमान को त्याग दो, अपनी आप को समझो। यहाँ रुक जाओ, अपने आप को क्या समझो, हम भगवान के संतों का दसों का दासों का दास है। अपने आप को ये समझो, हम संतों का दासों का दासों का हम अनुदास है। और संतों की मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें हर समय स्नान करते रहो, और काय मन और बाक्य से क्या करो, भगवान की कथा श्रवण करो। अगर हम भगवान की कथा संतों की कथा सुनते रहेंगे और जीवन में जो कुछ आए, जैसे किसी को बोलो ना भैया थोड़ा भगवान की भजन करो, भगवान की थोड़ा भक्ति करो, बोलेगा अभी करने समय नहीं आया है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ा बड़े हो जाए और बच्चों का थोड़ा शादीशुदा हो जाए, हैं उनको थोड़ी सी सेट कर दे, बच्चों को थोड़ा सेट फेट करके ना फिर हम भजन करेंगे, हैं। शास्त्र कहता है भैया अभी तो कोई जगत में सेट हो पाया है, हमारा किचन भी सेट है, डाइनिंग भी सेट रूम है, और हमारे बेडरूम में सेट है, सारे सेट है, लेकिन केवल मन ही अपसेट है। सारे को तो सेट कर दिया लेकिन मन अभी तक तो सेट नहीं कर पाए। दुनिया में अभी तक तो किसने सेट हो पाया बता, रावण सेट हो पाया, कंस सेट हो पाया, और तू कह रहे हो तो सेट पर्दा लगाओ। हाँ देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं तभी जीवन में अपनी सेट हो जाओगे जब भगवान की भक्ति करो। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से काम हो रहा है।
इसलिए तभी सेट हो पाओगे तो भगवान की भजन करोगे। बगैर भजन करते हुए दुनिया में कोई भी सेट नहीं हो पाए है। इसलिए बोले स्थाने स्थिता, मतलब भगवान हमें इसी स्थिति में अभी रखे हैं। वो स्थिति को जीवन में सबसे बढ़िया समझो। जीवन में ये सबसे बढ़िया स्थिति है, है? आगे अगर बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब हम भगवान की भजन करेंगे, नहीं तो भजन किए बगैर कभी बढ़िया स्थिति आ ही नहीं सके। जिंदगी में किसी को आया नहीं तुम्हें क्या आ जाए। इसलिए प्रभु की भजन करते रहो। इसे जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन कहो। ठाकुर जी हमें जिस स्थिति में रखे वो स्थिति में रह करके हर समय क्या करो, भगवान की भजन करो। एक बार हाथ उठा सबके सब, बोला हरे कृष्ण, बोल रहे कि नहीं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार बोलो जोर कर, माता सब किसे बोलो, बोलो जोर से जैसे झगड़ा करते हो घर में, जैसे बहू के साथ में लड़ाई करते हो, वैसे बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो ब्रह्मा जी और एक अच्छी बात कहते हैं, ये बात सबसे कीमती बात ब्रह्मा जी ने बताई। ब्रह्मा जी कहते हैं बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम पिपातम। इसका मतलब है जीवन में जो कुछ आता है क्या समझो, हमने जैसे जैसे कर्म की है वो कर्म का फल हम भोग रहे हैं। कभी किसको पर दोष मत लगाया करो, अरे अमुक ने ऐसे कर दिया ना, अमुक की वजह से ऐसे हुई है, मेरे साथ में उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया। बोले भैया कोई किसको साथ में कोई कुछ नहीं करते हैं, कोई किसी को साथ में कुछ नहीं करते हैं। हमने जिस जैसे बीज बोया ना वैसे ही पेड़ होगा। अगर नीम का बीज बोएंगे वहां पर क्या चीकू का पेड़ आ जाएंगे, कौन सा वृक्ष की नीम का ही वृक्ष आएगा है। और जहाँ पर चीकू का बीज बोएंगे वहां पर चीकू का ही वृक्ष आएगा। जहाँ पर आम का बीज बोएंगे वहां कौन सा कटहल का आएगा, वो आम का ही वृक्ष आएगा। इसलिए हमने जीवन में जैसे जैसे कर्म की है वो कर्म के अनुरूप हमें जीवन में फल भोग रहे हैं। इसलिए कोई किसी का कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ आए अपना कर्म का फल मान करके भोग करते रहो और भगवान की भजन करते रहो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहो। बोलो जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। देखो माताएं बैठ कर बात नहीं करना, कब पे मारना। कुछ कुछ माताएं ये सोचती हैं वैसे भेंट होती नहीं किससे, लेकिन ये कथा बहुत बड़ी बात है। सबके सब यहीं पर आ जाते हैं और जितने पेट में जितने रखा हुआ ना सब निकाल देते हैं, सारे बात यहीं पर कर लेती है। क्योंकि वैसे तो मिलते नहीं, अपना अपना घर में रहते हैं और यहाँ पर सबके सब मिल जाते हैं। थोड़ा अलग होकर बैठो माताएं सबके सब। मैंने पहले बताया था ना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, उसे अलग होकर बैठो, फिर तो कथा सुनोगे, नहीं तो कथा नहीं सुन पाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी देखा मैंने इतनी अच्छी अच्छी बात भगवान को बताई, इतने बढ़िया बढ़िया स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ठाकुर जी खुश नहीं हो रहे हैं। क्या इसमें क्या रहस्य है। बोले अभी तक तो हमने भगवान को प्रसन्न की करने के लिए कोशिश की, अभी उनकी भक्तों को थोड़ा स्तुति करके देखता हूँ। तो उन्होंने भगवान की भक्तों को स्तुति करते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएं। पिछले दो बार अहो 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 मतलब अहो, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, बोले भैया क्या आश्चर्य चीज देखा।
इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ये ब्रजवासियों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की है, क्यों कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्मा ये सनातन है, लेकिन होते हुए भी किसकी सखा बन गए, किसी को कंधे पर बैठाते हैं। अगर खेलते खेलते कृष्ण अगर हार जाते हैं ना, श्री राम कहते कन्या घोड़ा बन, घोड़ा बन कर कंधे पर बैठा, और कृष्ण कहते नहीं मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, सखा लोग कहती कन्या को अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करते, आज से इसको खेल में नहीं मिलाएंगे, जाओ तेरे से कोई बात नहीं करेंगे। कृष्ण कहते नहीं भैया ऐसे मत किया करो, हमसे बात मेरे को अकेला मत करो, मैं घोड़ा बनूंगा, घोड़ा मेरे को घोड़ा बना दो। बोले चल भांडी बैठते मार मार बन तो घोड़ा बनकर चलो। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी वो अपना भगवता को भूल जाते हैं और घोड़ा बन करके सखाओं को पीठ पर ले जाते हैं। दुनिया की कान पकड़ करके भगवान माया के द्वारा जीव को उठाते बैठाते, लेकिन कृष्ण जब कभी मक्खन खा लेते हैं, कभी मिट्टी खा लेते हैं, अगर सखा लोग को शिकायत कर दी कन्या ने मिट्टी खाई, सीधा मैया आकर कन्या को कान पकड़ दी, सीधा कान पकड़ती है, बोले चूरे चोर चोटे घर में खाने की कोई कमी है, तो मिट्टी खाई। कृष्ण डर जाते हैं, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बोले मक्खन खाई, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाई। कृष्ण डर से झूठ बोल देते हैं, बोले भैया मैया ने किया ऐसे पुण्य की जो दुनिया की जो कान पकड़ने वाले उसको भी कान पकड़ते हैं, दुनिया को जो बांधने वाले उन भी बांध डालती है, कौन बांध डालती है, मैया जसोदा उनको बांध डालती है। इसलिए कहती है ब्रजवासी लोग इतने सौभाग्यवान, जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, फिर तो भगवान थोड़ी सी मुस्कुरा दी, भैया भगवान का कमजोर कहाँ पर है, कहाँ पर ठाकुर का कमजोर है, समझ गए कि नहीं। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्तों को खुश कर दिया ना, मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ, मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। पर ब्रह्मा जी भगवान को तीन परिक्रमा लगाए, बोले प्रभु जानन्तु एव जानन्तु, अगर दुनिया में कोई कहता है अरे वही कन्या है ना जो गैया चराता था उसको मैं जानता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी को धूल कणा कोई गिन सकते, बारिश को बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन कृष्ण की महिमा को कोई पता नहीं लगा सकते। मैं स्वयं ब्रह्मा होकर भी जिनकी माया को मैं नहीं समझ पाया, तुम क्या करोगे, हैं? स्तुति करते हुए चले जाते हैं। फिर इंद्र जब ये बात बताए, बोले अब क्या करनी चाहिए, बोले वो गोपाल हैं, गैया पालन करते हैं, जाओ सुरभि गाभी के आनुगत्य में तुम जाओ। तो उनके आनुगत्य में आए तो भगवान ने उनको शासन किए, बोले तेरे अंदर में बड़ा अभिमान हो गया था, तू सोच रहा था स्वर्ग का राजा ब्रजवासी मेरे प्रजा, तेरे अहंकार को दमन करने के लिए मैं लीला की, खबरदार कभी अहंकार नहीं करना। फिर भगवान को उन्होंने स्तुति की, भगवान को अभिषेक की और भगवान को प्रणाम करते हुए माफी मांग कर चले गए, और उन्होंने कृष्ण का एक नया नाम रखा, गोविंद नाम दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राम। बोले कात्यायनी महामाये महाजोगीनंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी कवि में नम। गोपियों ने कात्यायनी की एकदम छोटी छोटी बालिका, कितने उम्र की, ढाई तीन चार पांच साल की एकदम छोटी छोटी बालिकाएं, सवेरे सवेरे सबको बुला करके ले जाती थी जमुना किनारे में, और रेतियों में श्री कात्यायनी की मूर्ति बना करके और कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। बोले हे कात्यायनी हे महामाये, मतलब तुम अघटन घटन पटे असी, हे को नहीं नहीं को तू हे कर सकते हो, नंद के लाला जो कृष्ण कन्हैया को हमारी तुम पति बना दो। भगवान प्रसन्न होकर के वस्त्र हरण की और गोपियों ने अपना सारे लाज लज्जा को ठाकुर को चरण में दे दिए, भगवान संतुष्ट हो गए। बोले शरद पूर्णिमा में तुम्हारी साथ में मैं रास करूंगा। भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा में बंसी बट को नीचे हार करके बोले भगवान पिता रात्रि शरद उत्पल मल्लिका
भीक्षरान्तु मनश्चक्रे योग मायांगमुपासरिता। भगवान योग माया को आश्रय कर तुम्हें, यहाँ पर मूल योग माया कौन है? बोले श्री राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के बगैर रास असंभव है, इसलिए राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी। उन्होंने कभी ब्रज में जब रास होता है ना, आकर के श्याम सुंदर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, बोले हे राधे, रास का समय है गयो है, आप कृपा करके रास में पधार, क्यों इनके बगैर रास असंभव है, इसलिए राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए भगवान कृष्ण जिस समय रास रचाए, शरद उत्फुल्ल मल्लिका, जहाँ पर एक साथ में छह ऋतुओं का जो फूल है वो एक साथ में प्रस्फुटित हुआ, बेली चमेली केतकी मालती माधवी, और जो कमल का फूल दिन में खिलता है वो भी कृष्ण सेवा के लिए रात में खिल जाती है। भगवान दिव्य श्री वृंदा चंद्रमा को दर्शन की, लेकिन दर्शन तो चंद्रमा को की, याद आए श्री राधा रानी की मुख चंद्र की याद आए, तो भगवान कृष्ण बंसी बेट को नीचे गए और जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, भगवान अपना बंसी से बड़े सुंदर क्लीन शब्द निकाले, लेकिन वो शब्द तो था क्लीन, लेकिन राधा रानी सुन रही थी बंसुरी से केवल राधे राधे शब्द आ रहा है, ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द, सब सखियां अपना अपना नाम को सुन रही थी, लेकिन कोई उसी समय पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई घर में रोटी बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन भगवान की बंसी ध्वनि सुन करके उसी अवस्था में ही, वो जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में सब कुछ त्याग करके सबके सब श्री रास में आ रहे थे, लेकिन कुछ गोपियां तो आ गई लेकिन कुछ आ नहीं पाई, बोले आई कौन नहीं आई कौन, बोले जिनकी पति को साथ में कोई संबंध नहीं था सारी जी की, वो पवित्र थी, उनको तो जोग माया मदद की, बोले आई नहीं कौन, बोले जिनकी शरीर पति को साथ में संबंध था वो हो गया था अपवित्र, इसलिए जोग माया उनको आने नहीं दी, और जोग माया दूसरों को लाने दी, जिनको रोग दी थी वो कृष्ण विरह में बड़ी व्यथित हो गई, बोले हे श्याम सुंदर हे कमल नयन, आपका दिव्य रास महोत्सव में आज हम सम्मिलित नहीं हो पाई, जब दुखी हुई ना इतने में कृष्ण विरह में उनका शरीर में जो थोड़ी बहुत कमी थी वो समाप्त हो गई, और वो आत्मा शरीर से सबके सब रास में आए, जब रास में आए भगवान कहते हैं स्वागतम में महाभागा, हे महाभाग्यवती तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ, भगवान ने थोड़ी सी गोपियों के साथ में ठीठो लिखी है, बोले देखो तुम लोगों को पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी का कर्तव्य है अपना पति की सेवा करनी चाहिए, भले ही पति लंगड़े लुड़े निकम्मा क्यों नहीं हो, स्त्री के लिए पति ही परमात्मा होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, और ये अंधकार रात है, ये अंधकार रातियों में स्त्रियों को घर से अकेला निकलनी नहीं चाहिए, भगवान इस सब चीज को मना करते हैं, हैं? ये सब चीज को भगवान मना करते हैं, कृष्ण ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, बोले देखो गोपियां एक पतिव्रता नारी की कथा तुमको सुनाता, अगर कोई स्त्री अगर पतिव्रता बने तो कितनी शक्ति उनके अंदर में, बोले एक समय एक पति पत्नी की जंगे पर सर रख कर के सो रहा था, थोड़ी देर पहले उसकी पत्नी ने खाना बनाई, और पहले जो खाना बनती थी किसी चूल्हे में लकड़ी से कंडे से जलती थी, थोड़ी देर पहले उन्होंने चूल्हे में रसोई बनाई, अभी उसमें आग लग रहा है,
उसको घर में एक छोटा बेटा था जिसका उम्र केवल अभी घुटन पर चलना सीखा और सिखाई नहीं। इतने में बच्चा का आंख खुल गई और देखा उसका बेटा चल घूंघट लिए घुटन पर चलते चलते एकदम आग जो जलती ही आग को पास में पहुंच गया, अभी चूल्हे में गिरने वाला। अभी वो स्त्री सोच रही है मुझे क्या करनी चाहिए, अगर मैं बच्चे को मैं बचाने के लिए जाती हूँ पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सोए हुए, मेरे पति को जगाना पड़ेगा, लपती का नींद खराब होगी। मैं एक पति व्रता नारी हूँ, मेरी पहला कर्तव्य अपना पति की सेवा करना, पति की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। इतने में बोले भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पति सेवा में करूंगी। सपनों देखते देखते वो बच्चा है ना गया और जलते हुए चूल्हे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद में पति आग खोला, बोले लाला कहाँ है, लाला तो जलते हुए आग में गिर पड़ा। बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख कर के सो रहे थे, अगर मैं बचाने के लिए जाता तो आपका नींद खराब हो जाती। बोले चलो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसकी पतिव्रता धर्म में इतने शक्ति थी, इतने शक्ति इसकी पतिव्रता धर्म में थी, वो जो आग में गिरी ना वो आग भी शांत हो गया। अब वो बच्चा उसका अंदर में किलकर मारते हुए खेल रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसकी पतिव्रता धर्म की इतने निष्ठा थी। और ये बच्चे को वहां से उठा करके ले आए। इसलिए कृष्ण ने कहा देखा गोपियां, अगर कोई स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करती है ना, इतने शक्ति पतिव्रता धर्म में, इतने शक्ति। इसलिए तुम लोग पतिव्रता नारी जाओ घर में वापस चले जाओ, पति की सेवा करना। इतने में गोपियों ने कहा प्रभु जो उपदेश देते हैं ना वो गुरु होता है, और शास्त्र कहता है प्रथमं तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममाचरणम्। कृष्ण गोपियां कहती हैं प्रभु आपने स्वयं बताया पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए और उसको बाद में फिर भगवान की पूजा, पहले गुरु पूजा उसको बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए। नहीं तो अगर कोई गुरु जी की पूजा छोड़ करके डायरेक्ट अगर कोई ठाकुर को पूजा करता है उसका जितने भजन सबके सब निष्फल हो जाते हैं, भजन उसकी निष्फल हो जाता है। और तुम कौन हो? कृष्णंग बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। इसलिए पहला कर्तव्य हमारी क्या है? गुरु का पूजा करना, तुम्हारी पूजा करना। जब उन्हें ये बात बताया ना कृष्ण चुप हो गए, कृष्ण चुप हो गए। तो भगवान कृष्ण गोपियों का साथ में रास किया है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण रास कर रहे थे। रास करते करते उसमें क्या हो रहा था, जो एक आंख में काजल पहन करके आए कृष्ण दूसरे आंख में लगा दी, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी प्रभु जी को पूरा कपड़ा पहना दिए, जो की हार कमर में कमर के गर्दनी गले में पहन रही थी ठाकुर जी उसको ठीक ठाक सजा दिए। शिक्षा देते हैं अगर हमें अच्छे तरह से कोई सजा सकता है ना कौन है, पर ठाकुर ही हमें अच्छे तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी बड़े सुंदर उनकी श्रृंगार करती, लेकिन गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में दूसरे पास में नहीं, लेकिन राधा रानी केवल अकेले देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है और कृष्ण सब गोपियों के पास में भी है। इतने में गोपियों की तो राधा रानी की तो मान हो गया और गोपियों की हो गई सौभाग्यपद है, गोपियां तो राधा रानी को निगलेक्ट करना शुरू कर दी। बोले कोई जरूरत नहीं राधा रानी की, हम स्वतंत्र नायिका है, हम स्वयं पूर्ण है। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी होगी, क्योंकि राशे स्वर तो श्री राधा रानी, अगर राधा रानी को अगर ये लोग निगलेक्ट करते हैं बोले भैया फिर रास किसके लिए। इनको ये याद रहना चाहिए हम सबके सब श्री राधा जी की अनुगत में। इतने में कृष्ण उन्होंने गोपियों की अभिमान को त्याग कराने के लिए और राधा जी की मान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए। जब कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं फिर गोपियां तो कृष्ण विरह में जैसे हस्ती अपना हस्ती
तीन को त्याग देने पर वो पागलिनी हो जाती है। ऐसे ही सबके सब कृष्ण विरह में उन्मादिनी हो गई, उन्माद ग्रस्त हो करके सब कृष्ण लीला की अभिनय करने लग गई गोपियां। और उसको बाद में सारे लता पता वृक्ष को ये प्रश्न कर रही थी, हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे। इतने में सिर्फ तुलसी को देखे, बोले तुलसी कल्याणी तुमने श्याम सुंदर को देखे हो, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। बोले स्त्री जाती है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती है, वो डहा करती है। थोड़ी आगे गए, बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम तो सब जगह में व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहाँ पर। इतने में देखा कृष्ण का दो चरण चिन्ह देखा, बोले भैया ये दम कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण का सेवा चरण की सब करती है, पहचान गए। लेकिन थोड़ी दूर गए ना, देखा दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी एक चरण चिन्ह है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले अनयाराधितनोनम भगवान हरिश्वर। बोले जितने गोपियों में यही गोपी ही कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में आराधना करती है, इसलिए कृष्ण सभी की मोह को त्याग दे करके केवल इसी को ही लेकर गए। बोले वो कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती बोल, बोले श्रीमती राधा रानी की, हर जोर से जयकार लगाओ, बोले श्रीमती राधा रानी की। इतने में और थोड़ी दूर गए तो देखा भैया वो चरण भी गायब। एक गोपी बोली भैया कहाँ चला गया और एक चरण। दूसरे कहते तेरे को समझ में नहीं आ रही, बोले क्या बात है। बोले वो जो कृष्ण है ना, उनको अपना गोद में उठा करके ले कर गए, देखो कृष्ण का चरण और थोड़ी सी दबा हुआ है। ऐसे करते करते जा रही थी, इतने में तो कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार भट्ट में बैठा करके उनको श्रृंगार कर रही थी। गोपियों की हयोला सुन करके बोले चलो राधे यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। लेकिन राधा रानी सोच रही, मैंने अच्छी नहीं की, जो काम मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं, ये मेरी कायम भी हो, मेरी ये एक एक प्रकाश है। जैसे मैं कृष्ण प्रेम में दीवार बनी हूँ, वो भी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण प्रेम में दीवार बनी, और ये सब के सब हम कृष्ण सेवा के लिए आए, और मैं अकेला श्री श्याम सुंदर को लेकर आनंद ले रही हूँ, ये सही नहीं है। अभी राधा रानी सोच रही है मैं थोड़ी सी मान कर लू, कृष्ण थोड़ी सी मान मनाते गोपियां आ जाएगी, फिर सब मिलकर यहाँ पर आप प्रयास करेगी। इतने में राधा रानी बोली देखो मैं यहाँ से और चल नहीं पा रही हूँ। क्या आप बोले कंधे पर बैठोगे, पहले बैठा दो। जब जब बैठने के गए ना, वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते, और वहीं पर से राधा रानी हाँ कृष्ण करते करते वहीं पर राधा रानी पछाड़ खा करके वहीं पर गिर जाती हैं। फिर जब गोपियां आती हैं, राधा रानी को होश दिलाती हैं, बोले एक काम करो, कृष्ण को उनका भजन बहुत प्रिय है, चलो हम जमुना किनारे बैठ करके उनकी भजन गाएंगे, जिसको कहते हैं गोपी गीत है। जिस गोपी गीत को सुन करके कृष्ण उनको आना ही पड़ा रातों में, इसलिए अगर किसी के घर में ये गोपी गीत गाया जाए ना, ठाकुर जी जरूर उसको घर में ठाकुर जी जरूर पदार्पण करते हैं। हम एक दो श्लोक गोपी गीत का सुन लेते हैं। Oh,
भी गीत को गाए, भगवान कृष्ण रह नहीं सके, उनको बीच में प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। इसलिए इतने में गोपियों ने अपना चुनरियों को उतार करके प्रभु उसको बीच बैठाए और भगवान को प्रश्न करते हैं। देखो तीन प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, बोले कृष्ण तुम ये बताओ, तीन तरह के लोग होते हैं, जो भजन करने वालों को भजन करता है, दूसरे तरह का होता है जो करे नहीं करे तभी करते हैं, तीसरे तरह का लोग होते हैं करे नहीं करे जिसको किसको साथ में कोई मतलब बने। बताओ तीन में तुम कौन हो? गोपियां जो भजन करने पर भजन करते हैं वो लोग तो बढ़िया, जैसे 100 रुपया लेकर के दुकान में जाओ, 100 रुपया दो और माल मिल जाएगा, आ गया, वहां पर तो कोई प्रेम नहीं है। दूसरे तरह का कौन है? बोले पिता माता। भले ही बेटा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता का भावना क्या है? ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटा है। भले ही बेटा जो कुछ क्यों नहीं करे, लेकिन पिताजी का जो हृदय, मैया का जो हृदय है, हर समय बच्चों को साथ में ही रहती है। बोले एक समय कोई एक प्रेमी का अपना प्रेमिकों को बोला, बोले देख तब भी तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तू अपना मैया की दिल पर ले आओगे तो मार करके। अभी पागल बन गया था वो, गया अपना मैया भी मार डाल, मैया को मार करके उसकी जो दिल था ना उसको ले करके आ गए। वो आता भाई इतने में कहीं उसने ठोकर खाकर गिर पड़ा। इतने मैया हृदय से आवाज आ रही है, बोले बेटा चोट तो नहीं लग गया? बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगा? मतलब क्या है? माँ की जो हृदय है, मैया का जो हृदय है, भले ही बेटा जो कुछ हो जाए, बेटा मेरा ही ये बेटा है। इसलिए क्या करनी चाहिए? पिता माताओं की हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे घर में बहू आ गई, बहू सब कुछ हो गया और भैया पिता माता कुछ नहीं, ऐसे नहीं, पिता माता के हम ऋणी बने, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। कल तीसरे तरह का कौन है? बोले करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं। कभी वो चार तरह होते हैं, आत्माराम, आपतका, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण तो आत्माराम आपतकाम है ही नहीं, नहीं तो हमारे बड़े तरह चलता ही नहीं, लगता है तो गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है। गुरुद्रोही मतलब तुम्हारी प्रेम का गुरु कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। राधा रानी तुम्हारी ये प्रेम का गुरु श्री राधा रानी, लेकिन तुमने श्री याद करके अर्ध रात में बुलाया, लेकिन इनको सबके सब तुम छोड़ करके चला गया कैसे? तुम लगता है तू गुरुद्रोही है। इतने में कृष्ण ने कहा, नहीं राधे गोपियां मेरे को ऐसे मत समझो। कहते प्रेम की दो पहलू होता है, एक विरह और एक मिलन है। लेकिन मिलन में क्या होता है? जैसे सामने के सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है? जैसे पति कहीं दूर में गया काम के लिए, 2 साल में 4 साल 5 साल में आए, पत्नी क्या करती है? दिन भर चिंता करती रह रहे, कब कोई पत्र आ जाए, कहीं बात आ जाए, क्या कर रहे नहीं कर रहे। आज 2-4 साल के बाद आ रही ना, देखना बड़ी सेवा आई, बड़ी सेवा, बड़ी पति आए। लेकिन घर में जो हर समय रहते हैं, धीरे 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 प्रेम घटती रहती है। धीरे धीरे पहले वो प्रेम धीरे धीरे घटती रहती है। अगर पति एक बोलता है ना, पत्नी 2 सुना देती है, पत्नी 3 ही सुना देती है। अगर पति बोले थोड़ा पानी दे दो, बोले अगर पी लो ना, क्या होता है? वो धीरे 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 प्रेम सामने घट ले। लेकिन दूर में रहे ना, साल में 2 साल में आज दिन भर चिंता करती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कहते हैं गोपियां, मैंने तुम्हारी जगत में तुम्हारी प्रेम को दिखाना चाहता था। गोपियों की प्रेम, राधा जी का प्रेम कितने उन्नत प्रेम है, दुनिया को दिखाना चाहता था। इसलिए मैंने कहीं तुमको छोड़ कर नहीं गया, पास में रहता था हैं। इसलिए मैं देखता था मेरी विरह में तुम्हारे शरीर में क्या विचित्र दशाएं आती हैं, क्या अद्भुत दिव्य उन्माद तुम्हारे अंदर में मेरे विरह में। इसलिए जगत को दिखाने के लिए मैंने छोड़ा, लेकिन तुमसे मैं कहीं छोड़ा नहीं, तुमको पास में ही रहता था हैं। फिर कृष्ण समझाए, फिर भगवान महाराज किए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। इनमें श्री शंकर भी भगवान की बंसी ध्वनि सुन करके, श्री भोले बाबा भी गोपी बन करके प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आते हैं ठाकुर।
बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे। भजन सुन लो बलराज बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। वो राधा सत्य कृष्ण नंदन राधा सत्य Hey!
बोलेंगे? अरे सुना बगराने जोर से बोलो, कहाँ बोलेंगे? राधे राधे। हाँ वृंदावन आएगा ना, राज रचा रहे हैं हम लोग, तो राजा भी बोलना जरूरी है। तो मैं बोलूंगा वृंदावन आया, आप क्या बोलेंगे? राधे राधे बोलो, प्यार से बोलो। राज करते करते सब थक गए, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की रात जब समाप्त हो गई, इतने में श्री नारद जी आए। नारद जी बोले, प्रभु आप ब्रज लीला में इतने डूब गए हो, अब ये भी भूल गए आप कौन हो, क्यों किस लिए आए हो? अपना स्वरूप को तो याद करो, जगत में क्यों आयो? परेशान आयो सावनाम विनाशाय दुष्कृता, दुष्टों को विनाश करने के लिए, संतों को पालना करने के लिए। अभी तो बड़े बड़े पड़े हुए, अभी कोई एक आध कोई दस आगे आप मार डालते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोक दर का काम शुरू करो, एक साथ में हजार हजार दैत्यों को मारोगे तभी करके कुछ सुधरेगा। अभी तो बड़े बड़े कंस जरासंध सब बैठे हुए, प्रभु जी भी उधार करना पड़ेगा। अगर आपके आदेश हो ना, आपका प्लेटफॉर्म में बना दो। बोले ठीक है। ए बच्चा, ए बैठो, ए बैठो, बैठो इधर, खड़ो ना, टांग तोड़ दूंगा वहीं पर। बैठो, ए बच्चा बैठो वहां पर, बैठो वहां पर, खड़ो नहीं, खड़ोगा तो कान पकड़ कर खड़े करूंगा। बस वृंदावन बिहारी लाल घूम कर, इधर घूमो, घूम कर बैठो, कान पकड़ कर। इसलिए अभी बोले आपका आदेश हो, इतने में नारद जी कंस को पास में आए और कंस को उन्होंने भड़काया। बोले महाराज कंस, तुम्हें पता है कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन है? बोले आकाशवाणी क्या हुई, देवकी का अष्टम गर्भ संतान तेरे काल बनेगा ना, देवकी की बेटा है, हैं? तू राता रात सुते रहा और ये राता रात पार कर दिया ब्रज में। ये नंद की लाडला छोरा नहीं, ये देवकी वसुदेव की छोरा है, ये दाव भी उनकी छोरा है। इसलिए कल सब सुनते तो भड़क दिया। बोले अभी अभी देवकी वसुदेव को मारता हूँ। बोले दोस्त में होश को मत कर, सब संभाल करके काम लो, नहीं तो कृष्ण बलराम विदेश भाग जाएंगे। बोले गुरुदेव भाव क्या करनी चाहिए? बोले तू जैसे एक एक को भेजते रहा और कृष्ण मारते रहा, अभी भी तेरे पास में बड़े बड़े बलवान हैं। तुम आठ भाई अभी चार मुष्टि की साल तो साल
यहाँ पर तुम कुबले हाथी उनको धनुष यज्ञ की बहन बना करके बुलाओ, यही पर उसको मारो। बोले गुरु जी के बगैर ज्ञान नहीं होता। बस कितने में उन्होंने अक्रूर जी को भेजा ब्रज में। अक्रूर जाकर रात भर कृष्ण बलराम को भटकाया। बोले कृष्ण बलराम तुम तो जगत पिता जगन्नाथ हो, तुम्हें सारे बात पता है, तू देव के वसुदेव के बेटे हो, इसलिए कंस उनको कारागार में बंद करके कितने उनको कष्ट दे रहा है, तू जल्दी जल्दी चल पिता माता को उधार कर दे से। बोले एक काम करियो, पिता माता को ये बात नहीं समझाना, पिता माता को बोलना कंस का आदेश है तुम बच्चों को लेकर के आओ मथुरा धनुष यज्ञ करने के लिए। बोले इतना बोल देना फिर हम आकर सब संभाल लेंगे। इतने में गोपियों को जब मैया जशोदा को पता चला ना, रात भर तो ब्रजवासी रोते रहे। बोले विधाता तुमको तो सृष्टि करना आ रहा है नहीं, अगर कृष्ण बलराम से अगर बिछोड़ना था तो तुमने प्रेम क्यों करवाया। हाँ जैसे बच्चे बचपन में क्या कहते हैं, रेतियों का घर दुख मनाते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, तुम भी ऐसे ही तुम्हारी हाँ ऐसे ही दशाएं, रात भर रोती रही। और कृष्ण जब सवेरे स्नान करके रथ में बैठ करके जाने वाले थे, इतने में मैया जसोदा मटकी में उनके लिए मक्खन दूध दही रख लेती। बताना भूख लगे खा लेना। देखो बेटा भले ही जितने बड़ा क्यों नहीं हो जाए, अगर बेटा अगर डॉक्टर बन गया सारा दुनिया को देखता है, लेकिन माँ को सामने बेटा क्या है, मेरा बेटा है। अगर बेटा बाहर जा रहा है ना, बोले बेटा साल साथ में ले चल, ये खाना ले ला, भूख लगे तो खाने ला। क्यों, मैया को सामने बेटा बेटा ही रहता, बेटा कभी बड़ा होता ही नहीं। मैया ने उनको मखन मिश्री दे दिया, भूख लगे तो खा लेना। लेकिन गोपियों को कैसे समझाए, कोई रथ को पहिया को नीचे सो गए, कोई लगाम पकड़ लिए, तुमको प्राण मार करके तुम जाओ। कृष्ण उनको समझाए, बोले कोई चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा को उधार करके मैं परसों आ जाऊंगा। इसे ब्रज में के गांव का नाम है सी परसु है। अभी इनको तो समझाया, अब राधा रानी को कैसे समझाएंगे। थोड़ी दूर गए तो देखा राधा रानी मेन रोड के ऊपर में लेटी हुई, उनकी शरीर से बिजली जैसे तेज निकल रहा था। अभी भी वो गांव का नाम है बिजवारी, ब्रज में बिजवारी। अभी राधा रानी को बड़े कष्ट से राधा रानी को समझाए, बोले चिंता मत करो मैं परसों ही आ जाऊंगा। अभी गोपियां सोच रही थी शायद कृष्ण थोड़ी दूर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। पहले देखते 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 रात तो उजाला हो गया, देखते देखते धूल भी उजाला हो गया, जब सबके सब उजाला हो गया फिर गोपियों ने बोले गोविंद दामो दरमाद बेती, गोविंद दामो दरमाद बेती, गोविंद दामो दरमाद बेती, गोविंद दामो होकर गिर पड़ी। इतने में कृष्ण जब अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर आए, अक्रूर की मन में शंकाएं, ये तो 10-10.5 साल के बच्चे इतने बड़े कंसों को क्या मार पाएंगे। इतने में जब आए यहाँ पर अक्रूर घाट, वहीं पर कृष्ण बलराम को रख करके यमुना में स्नान करने आए। डुबकी लगाते देखा पानी को अंदर में, अरे भैया ये पानी को अंदर में कैसे, फिर देखा रहा था फिर डुबकी लगाए तो भगवान दिखाया शांताकार भुज शयनम, कैसे भगवान अनंत नाग पर कृष्ण बलराम लेट हुए हैं। कृष्ण कैसे लेट हुए, बोले चाचा जी हमें आप साधारण मत समझो, मैं वही भगवान हूँ, कोई चिंता मत करो। फिर गए मथुरा में, फिर मथुरा जाकर भगवान श्री कंसों को बध करते ही हैं। जब कंसों को बध करने के लिए प्रभु गए, जब रंगशाला में प्रभु प्रवेश किया, जिनकी भावना रही जैसी हरि मुहूर्त देखी दिन तैसी, जिनकी जैसे भावना उन्होंने भगवान को ठीक वैसे ही दर्शन कर रहे थे,
जितने माताएं देख रहे थे इसका दूध दांत ही नहीं टूटा, जितने ऋषि मुनि थे देख रहे थे यही पर तत्व है, कंस देख रहा था ये काल और उनके चारणों स्थित देख रहे थे ये तो वज्र जैसे है, ऋषि मुनि देख रहे थे यही पर तत्व है। इतने में कृष्ण बलराम को साथ में चारणों मुष्टि की रंगशाला युद्ध हुई, देखते देखते कृष्ण बलराम दोनों को पछाड़ डाली, फिर साल तो सोलह आते हैं उनको भी पछाड़ डालते हैं। कंस बैठा हुआ था ऊंचे सिंहासन पर, कंस बैठा हुआ था, कंस कहा ये दोनों को जेल में बंद कर दो, देवों की वस्तु दो मार डालो, नंद को जेल में बंद करो। बोले चाचा जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हो। इतने में कृष्ण एक छलांग लगाया और कर लिया चोटी। बोले एक दिन तुम्हारे मेरे मैया की चोटी बदली थी ना, जो स्त्रियों को अपमान करते उनको मारने के लिए मैं आ गया, एक झटका मारकर नीचे गिराए और नीचे गिरते गिरते राम नाम सत्य हो गया। इतने में उसकी दो बेटी जा करके कंस को शिकार की, तेरे दामाद बहुत अच्छे थे और बिना कारण के कृष्ण बड़ा मार डाली। इतने में मथुरा ऊपर में 70 बार आक्रमण किया और 18 बार उनने ब्राह्मण सनी को लेकर के आते ही, क्योंकि जो भगवान है नाम ब्राह्मण देवाय ब्राह्मण ही तो उसको पता चला ये ब्राह्मण को बड़ा पूजा करता है, ब्राह्मण सैनी को लेकर के आए, भगवान थोड़ी ब्राह्मण को मानने मारे गए, इसलिए भगवान रण छोड़ कर के चले गए, इसलिए ठाकुर का एक नाम हो गया रण छोड़ भगवान हो गया। बोले रण छोड़ भगवान की इतने में इनका नाम हो गया रण छोड़ भगवान गए। अभी एक तरफ में काल जब दूसरे तरफ में जरासंध एक साथ में मथुरा में आक्रमण किया, बोला अगर हम एक तरफ में जाए ना दूसरा आकर के मथुरा को फिर में अपना अधिकार जमा लेगा, क्या करनी चाहिए विश्वकर्मा को बुलाए, बोले तुम समुद्र को बीचा बीच में एक सुंदर द्वारकापुरी बनाओ सोने में बना हुआ हो और जोग माया को बोले सारे मथुरा वासियों को लेकर के वहीं पर सुला दो। राता रात उनको ट्रांसफर कर दिया था एकदम समुद्र बीच में उनको लेकर के बैठा दिए। इधर वे अभी कृष्ण सोच रहे हैं बोले भैया मेरी जब शादी होगी इतना बड़ा हो गया शादी नहीं हुआ, जब मैं शादी करूंगा एक दो तो शादी करूंगा ही, मेरे तो 16,160 बटरहनियां बनेंगी, लेकिन जब तक तो दाऊ भैया शादी नहीं करे बड़े भाई छोटे भाई कैसे शादी कर सकते हैं। कहते रेवत नाम का देश में एक रेवत नाम का एक राजा थे जिनकी बेटी का नाम थे रेवती, वो साक्षात माँ लक्ष्मी। अभी उनको बेटी को रेवत महाराज सत्य जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गई, ब्रह्मा जी उसी समय के काम में व्यस्त थे। जब ब्रह्मा जी वापस आए बोले क्या बात है, बोला आप कृपा करके बताओ मेरी बेटी की नाई की कौन पति मिलेगा। बोले तुमने आया था सत्ययुग में और यहाँ का समय वहाँ का समय में बहुत फर्क है, सत्ययुग गया त्रेतायुग गया द्वापर युग भी गया, अभी द्वापर का अंतिम है, अभी परम ब्रह्म भगवान ये राम कृष्ण रूप में आए, जो श्री बलदेव प्रभु ये स्वयं विष्णु है और तुम्हारी जो बेटी है ना ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, लेकर के श्री बलदेव ब्रह्म को साथ में शादी कराओ। जब शादी हुई ना सत्ययुग की और एक द्वापर युग की, रेवत एकदम ताल का पेड़ जैसे और बलदेव ब्रह्म इतने छोटे से नाटे से, सखा ने बोले कन्या ताऊ भैया बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिली है, बड़े भाग्य से बोले शादी भी भाई नहीं, सखा लोग खिली उड़ाना शुरू कर दी। इतने में दाऊ भैया ने दिया अपना हाल को और रेवती कंधे में लगा करके खेसते 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 जब एकदम कंधे तक कर दी जोड़िया बढ़िया बन गई छोड़ दिए। बोले श्री रेवती रामायण भगवान की अभी भगवान कृष्ण की शादी होगी। बोले श्री भीष्म राजा के तथा उनकी 5 बेटे और सबसे जो छोटी बेटी साक्षात माँ लक्ष्मी से रुक्मिणी, ये नारद जी को ये बात बता था, नारद जी आकर के रुक्मिणी को बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाए करते थे। अभी कथा सुनते 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 रुक्मिणी की उनका रग रग में उसको कृष्ण ही समाये गए
बोले मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को ही शादी करूंगी और किसी को मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसका जो बड़ा भैया रुक्मी बोले क्या कृष्ण से मेरी बहन की शादी हुई? हमने सुना बचपन में क्या घर घर में मक्खन चोरी करता था, गैया चराता था, ग्वाल का साथ में मेरी बहन की शादी? अरे मेरी बहन की शादी तो कुछ राजा महाराज से हो जाइए। बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में। अभी उसने जब रुक्मिणी को ये बात पता चला, उसने एक ब्राह्मण को बुलाए और एक सुंदर प्रेम की पत्र लिए। पत्र में क्या अद्भुत भाव थी। अभी रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखा, कोई किसको देखे ही नहीं। लेकिन कृष्ण के मतलब पत्र पकड़ के ना रीझ गई। देखो पत्र में क्या लिखा हुआ था। बोले हे प्रभु, जगत में सबसे सुंदर अगर कोई है तुम ही भुवन सुंदर हो। हैं? इसलिए कभी कभी कृष्ण को गोपियां खिली उड़ाती हैं। बोले कृष्णा तुम यदि हो तो लाली गला कट जाती कर रहा। अच्छा हुआ है परमात्मा तेरे को लाली नहीं बुलाकर लाला बुला। अगर तू लाली होती है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए ना सारा दुनिया मर जाते हैं। इतने सुंदर तू सुंदर हो। इसलिए बोले हे प्रभु, जगत में भुवन सुंदर तुम हो। जगत में पति, पति मतलब क्या है? मतलब होता है पालन करना। ती मतलब जो पालन करे और संसार जीव को तार ले। बोले कौन तार सकता है, कौन पालन कर सकता? बोले तू। जगत में जो पति है कहते हर जन्म में पुरुष होने पर स्त्री, स्त्री होने पर पुरुष मिलता है। और हर जन्म में शादी तो करते हैं, मांग तो भरते हैं, लेकिन ये मांग मिट जाती है। इतना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्म और मर जाए। बर बरी और गोपाल जूसो जो चुड़ल चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अगर एक बार अगर भगवान को कोई पति रूप में प्राप्त करता है बस जन्म जन्मांतर की बस खत्म। कभी ये मांग कभी नहीं मिटेगी, शंका कभी टूटेगी नहीं। बोले जगतपति जगन्नाथ तू हो। अगर तुम मेरे को यहाँ से उधार नहीं करोगे, मैं जन्म जन्मांतर तक प्राण त्याग करूंगी। तू पुरुष सिंह हो, ये जगत में सबके सब सियार है। अगर शेर का हिस्सा को अगर सियार ले जाए ना, कहते ये शेर का ही बदनामी। हे प्रभु आप मेरे को कृपा करके यहाँ से उधार करो। उन्होंने ऐसे पत्र उन्होंने कृष्ण को पास में लिखे। कृष्ण ये पत्र पढ़कर भी खुश हो गए और रुक्मिणी को उधार करने के लिए प्रभु आए। जब प्रभु आए शिशुपाल को पता था ये रुक्मिणी पहले कृष्ण को प्रेम करती थी, ये कृष्ण को प्रेम करती थी, इनको पता था। इसलिए पहले से ही संन्यास सामंत तो उसका जितने अनुजाई दुष्टों को लेकर के आए थे और चारी तरफ में घेराव कर लिया। कृष्ण जैसे अंदर में आ नहीं पाएगा, आए ना सब मिल करके उसका गर्भ को हम नष्ट करेंगे। इतने में रुक्मिणी ये भी लिख दी थी आप मेरे को कैसे उधार करोगे। रुक्मिणी कहती है हे प्रभु, हमारी एक नियम है, लड़की शादी से पहले अपना घर से माँ देवी को पूजा करने के लिए जाती है। जब मैं माँ देवी को पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय अपना पराक्रम को दिखा करके मेरे को उधार करना। उन्होंने डिटेल से सब लिख दी। इतने में रुक्मिणी जब गई शादी के लिए अपना सहेलियों को साथ में, कहती वो देवी मंदिर में स्वयं शंकर पार्वती प्रकट हुई और वेद मंत्रों से उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी को अंदर में ही शादी करवा दिया। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला कि शादी हो गई। इतने में रुक्मिणी कौन है? ये जगदम्बा जग जननी माँ लक्ष्मी स्वयं। जब रुक्मिणी आई इतने अपना घूंघट को उठाए, मेरे प्रभु कब उन्होंने अपने जब घूंघट को उठाए वहां पर जितने सैन्य सामंत थे रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके वही बेहोश हो गई। सबके सब वही बेहोश हो गई। इतने में कृष्ण द्वारकाधीश भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले रुक्मिणी आओ बैठो। इतने में रुक्मिणी जितने सखिया थी ना बोले राम राम मैं तो जा रही हूँ, हाँ मैं तो अपना पति को साथ में जा रहा हूँ। राम राम करते करते कृष्ण उनको रथ में बैठाए और चल पड़ी। थोड़ी देर बाद में सारे सैनिक का होश आता है। बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसका था तो उसने लेकर चला गया। बोले मारो मारो पीटो पीटो। इतने में दाऊ भैया आ गए। बोले कन्हैया कोई चिंता मत करो तू लेकर के जा, इनको मैं निपट लेता हूँ। उठाया हाल और मुसाल मार मार करके सबको वहां से खदेड़ दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका
लंका में जाते हैं और भगवान की शादी होती है। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की आ जाओ, रुक्मिणी इधर आ जाओ, आ जाओ कृष्ण रुक्मिणी, इनको हाथ तो माला दे दें यहाँ की। जो जन में और मन जान बर गोपाल जो जा सुचड़ लय मरे हरे Bye.
भगवान की शादी है नहीं है भाई, हम लोगों के गांव में शादी होती है कि नहीं? ठाकुर जी की शादी है नहीं है?
पाँच दस मिनट बैठ गए, तो सब बैठ गए, पाँच दस मिनट बैठ गए। हाँ देखो, हम लोग ने ये भागवत कथा सात दिन तक सुने, कितना दिन तक सुने हो? सात दिन तक। दुनिया में कथा जब खत्म हो, कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो। बोले भैया क्या लेंगे और क्या देंगे? बोले जितने जल्दी चीज को दे दिया भागवत में, जितने जल्दी चीज को भागवत में दे दिया ले किया। बोले भागवत से भगवान की भक्ति को लेकर जाओ, भगवान की प्रेम को लेकर के जाओ। बोले गंदी क्या चीज नहीं? बोले चार चीज गंदी है। पहला नंबर जुआ मत खेलो, दूसरा नंबर नकली वस्तु ग्रहण मत करो, तीसरे नंबर अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मत मिलो, और जो चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। कभी एक चार चीज को बोले भागवत से क्या लेंगे? बोले चार चीज लो। कितना चीज लोगे? चार। चार चीज क्या क्या लोगे? पहला चीज है हर घर में ठाकुर जी की मंदिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मंदिर। ऐसे नहीं, खूब तो बढ़िया घर में रहते हो और ठाकुर जी को उनके लिए कोई रूम नहीं, जैसे तैसे एक फट बना कर रख दिया। नहीं, ठाकुर जी के लिए सबसे सुंदर घर होनी चाहिए। घर में सबसे जो सुंदर जगह ठाकुर की होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर ने हमें सब कुछ दिया। ठाकुर ने सब कुछ दिया। कृष्ण उद्धव जी कहते, उद्धव अगर मेरे मंदिर में कोई एक ईंट ले ले, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में राज महल बनाता हूँ। भगवान को तो कहते हैं, ठीक है ना? इसलिए सुंदर मंदिर, और मंदिर में कौन रहनी चाहिए? इधर मैंने अक्सर करके देखा, मंदिर में कहीं राधा कृष्ण का कोई फोटो नहीं, नहीं तो सीताराम की कोई फोटो नहीं, कोई नारायण का कोई फोटो नहीं, इधर उधर देवी का फोटो है। ध्यान कर सुनो, इधर उधर देवा देवी का फोटो है, कृष्ण का नहीं, राम का नहीं, नारायण का नहीं। जो भगवान होते हैं ना, तीन ही भगवान होते हैं, राम नहीं तो नारायण नहीं तो कृष्णा है नहीं तो बाकी भी आ रही, ये तीन ही भगवान। बल्कि ये शंकर जी पार्वत कौन है? कहते ये शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभो, मतलब है भगवान की सबसे प्यारे भक्त कौन है? कहते श्री भोले बाबा भगवान की सबसे बड़े भक्त है। वही रामलीला में हनुमान बन करके आए और उन्होंने श्री प्रभु राम की चरण की उन्होंने सेवा की है। कहते माता जी कौन है? बोले ये वैष्णवी, नाम सुनेंगे वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी मतलब कौन क्या है? जो भगवान विष्णु को जो आराधना करती है। इसलिए शंकर पार्वती को गुरु रूप में माना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं, उन्होंने शंकर पार्वती को गुरु रूप में वंदना की, क्योंकि इनकी कृपा से ही जीव को भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति मिलती है। इनसे प्रभु की प्रेम और भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन इष्ट कौन है? बांके बिहारी। इष्ट कौन है? बांके बिहारी। बांके बिहारी, बांके बिहारी हो नहीं तो प्रभु राम हो। इष्ट कोई, यही दोनों में कोई एक इष्ट होते हैं। लेकिन हमारे श्री शंकर पार्वती का, हमारे हनुमान जी, श्री गणेश जी, ये कौन है? ये गुरु है। इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति हमें मिलती। इसलिए जो मंदिर का जो मेन जो स्थान में कौन के बिहारी हो? भगवान की राधा कृष्ण के फटो। अब देखना जिंदगी में भाई जिसको जितने पूजा पूजा कर लिया, लेकिन अंतिम समय जब आएगा, चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? गोपाल नाम रखते है, सत्य बोलो कहते हैं सब कोई बात। अंतिम समय में साथ में क्या जाएगा? गोपाल जी का नाम और श्री राम का नाम साथ में आएगा, यही जाएगा ना। अब सब कोई बात झूठा है, सब झूठे है। इसे प्रभु की मेन जगह पर कृष्ण नित राम हो, जिसकी मंत्र मिल, अगर हमें कृष्ण की मंत्र मिली कृष्ण की फटो को, राम की मंत्र मिली राम का, कहाँ रहे हो? वहीं पर बैठो माता है, अंत में कहा घुस, वहीं पर बैठो, कहाँ आ रहे हो? वहीं पर बैठ जाओ, वहीं पर बैठो। हाँ, इसलिए मेन मंदिर में ठाकुर जी का पूजा होनी चाहिए, ठीक है ना? घर में रोज क्या कर रहे ठाकुर जी को? भोग लगा कर खाना खाने, इतना चीज कम से कम लेकर के आओ। जिस घर में ठाकुर को भोग लगता है, ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, घर का सारे दुख कष्ट तुम्हारी वहीं पर बैठो,
आएंगे लास्ट में और गड़बड़ करेंगे। मानत नहीं। पहला चीज क्या है ठाकुर जी की? घर पे होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या लेकर के जाए? घर में तुलसी पौधा हो। किसको घर में तुलसी पौधा है? घर में तुलसी पौधा है कि नहीं? सबके घर में नियम है, रोज स्नान करके तुलसी पौधा में रोज पानी दो। क्या करोगे? तुलसी में पानी देना और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। चार बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी पूजा से घर में भक्ति बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तुलसी की सेवा से। इसलिए हर घर में तुलसी की पौधा हो, तुलसी परिक्रमा करे और गले में क्या हो? तुलसी की माला हो। गले में तुलसी कंठी नहीं होना पर जब महाराज माला बोला जाए तो ध्यान देकर सुनो। इधर मरने के बाद गरुड़पुरा में पढ़ते हैं, यहाँ पे चौम बजाती क्या कहते हैं? यहाँ मरने के बाद क्या गरुड़पुरा में आप लोग सुनते हैं यहाँ पे? आप देखना ध्यान देकर सुनो। आप लोग सुने होंगे मरने के बाद 13 दिन के बाद में शुद्धि होती है, मतलब 13 दिन के बाद में शुद्धि होती है। कहते मरने के बाद उसको जब तक ले जाते भगवान कपिल देव कहते हैं, गर्म रेतियों को ऊपर में घिसड़ के घिसड़ कर ले जाते हैं और कुत्ते सियार उसकी मांस को नोच उस कर खाते हैं और उसको एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम बैतरणी नदी। वो नदी कैसे है? बोले टाटी पेशाब खोपी का वो नदी होता है। अब गरुड़ पुराण सुने होंगे और उससे ऊपर से कुड़े मार मार कर उसको वो नदी को पार करवा पड़ता है। बोले कितने दिन लगता है? बोले 13 दिन लगता है उसको, उसी नदी पार होना 13 दिन लगता है। इसलिए कभी कभी सुने होंगे ब्राह्मण कहते हैं उसके नाम पर गैया दान दे दो। क्यों? वो गैया की पूछ पकड़ के जल्दी जल्दी उसकी मुक्ति हो जाएगी, जल्दी जल्दी पार हो जाएगी, इसे कहते हैं गैया दान दो। बोले किसको ये नदी का पार करना पड़ता है? बोले उन्हीं को पार करना पड़ता है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनकी गला में तुलसी कंठी हो, जो तिलक लगाते हैं और जो ये भगवान की माला जप करते हैं ना, वो कभी भी वो नदी पार करना नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। गला में तुलसी कंठी होगी, तिलक होगी, प्रभु का माला जप करना, कभी वो नदी पार नहीं होना पड़ेगा। तुम सीधा तुम्हारे लिए वैकुंठ से रथ आएगी और सीधा तुम वैकुंठ जाओगे। अगर गला में तुलसी कंठी नहीं, तिलक नहीं करते हो, प्रभु की माला नहीं जप करते हो, तुमको कोई रक्षा नहीं करता। ये जब महाराज स्वयं कहते हैं उन दूतों नदी पार करना पड़ेगा उनको जरूर, वो टाटी पेशाब पी खून की नदी कोड़े मार मार कर हम पार करवाएंगे। कले में कंठी होगा, दूर से जमदूत देख लेंगे ना। मैंने बताया ना, जब महाराज उनको दूतों को कहते हैं जो भक्ति करता है मेरे पास में मत लाना। बोले कैसे पता चलेगा? कहते दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं गले में पट्टा बांध कर रखते हैं, यहाँ पर सब बाहर कुत्ते हैं, लेकिन शहर में जाओ देखना गले में उसको पट्टा बांधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है भैया किसी घर के कुत्ते हैं। और जो बिना पट्टे के जो घूमते हैं कहते हैं फालतू है। इसलिए कहते जिनकी गले में तुलसी की कंठी है वो भगवान बांके बिहारी की पालतू है, वो कभी भी नरक नहीं जाएंगे, कभी वो नदी पार करना नहीं पड़ेगा। अगर गले में कंठी नहीं होगी फिर तो आपको चाबुक मार मार करके कोड़े मार मार करके आपको पार करना ही पड़ेगा, उनको कोई नहीं बचा सकता वो नदी से। इसलिए जीवन रहते हुए भगवान की माला जप करो, तिलक लगाओ जैसे हम तिलक लगाते, तिलक लगाओ और भगवान के नाम जप करो, गले में तुलसी कंठी पहनो, पर तभी आप पार होना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये तीन चीज करना, कंठी माला और क्या भक्ति लग, ये तीन चीजें हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई कोई कहते हैं ना अरे सब कंठी तिलक क्या जरूरत है, ऐसे क्या भजन नहीं होते मन मन में? देखो यहाँ पर जो सदावास क्रिया है, देखो कैसे पता चले ये सदावास, ये मांग भरी हो, सिंदूर लग है ना, नाक में वेसर पहनी हो, शंखा पहनी हो, लाल जो साड़ी पहनी हो, इससे पता चलता है ये सदावास है ना। ये सदवा कब तक रहोगे? जब तक भक्ति, उसके बाद में सदवा कब बने? शादी से पहले कोई मतलब था? शादी से पहले पति से कोई मतलब था क्या? नहीं।
अगर बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह अलग हो गए तो गया गया खत्म हो गया। जब दूध की पत्ती के लिए हम इतने मांग भर लेते हैं और इतने सुंदर सिंदूर भर लेते हैं, फिर जो परम पति हमारा जो भगवान है तो उनके लिए कितना नहीं करनी चाहिए है? जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, एक जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अब देखना उसको यूनिफॉर्म ड्रेस पहनना पड़ता है। अगर वो यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा वो स्कूल में जा ही नहीं सकता है। यद्यपि पढ़ाई को साथ में वो यूनिफॉर्म ड्रेस का कोई मतलब नहीं है पढ़ाई को साथ में, लेकिन उसको स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस उसको पहनना पड़ता है। जैसे एक पुलिस, हमें कैसे पता चलता पुलिस है? उसका ड्रेस देख कर। जैसे एक जज जाता है कोर्ट में, बगैर अगर टाइम नहीं पहनेगा, कोट नहीं पहनेगा तो कोर्ट में घुस नहीं सकता है, वो घुस नहीं सकता वहां पर। उसी तरह हमें भी, हम जो प्रभु की भक्ति करते हैं, शास्त्र में बताया हमारी कुछ लक्षण होनी चाहिए, नहीं तो क्या हनुमान बेकूफ का इतना बड़ा तिलक लगा? क्या राम भगवान बेकूफ से इतना बड़ा तिलक लगा है? भगवान राम कृष्ण को देखो, नारायण को देखो, भगवान हो रहे भी ठाकुर जी, ये तिलक ठाकुर जी लगाते हैं हमारी बात छोड़ के, ठीक है ना? इसलिए क्या करना, तुलसी गले में कंठी में नो, भगवान की भगवान की भजन सेवा पूजा करनी होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है, एकादशी व्रत जरूर करना। क्या करोगे? एकादशी व्रत को जरूर, एकादशी व्रत करनी चाहिए। इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम भागवत में नहीं आता है, केवल एक तिथि नाम आती है, श्री एकादशी तिथि। पहले मैं आपको बहुत सारी कथा सुनाया, एकादशी को कल्प वृक्ष व्रत बताया, मतलब जो कुछ मांगो एकादशी व्रत से, एकादशी व्रत सब आपको खुलेंगे। इसलिए एक का नाम कामदा, मतलब सारी कामना वासना पूरी होगी। एक नाम मुख्यदा, मुख्य मुक्ति मिलेगी। एक नाम अर्णदा, मतलब घर में माँ लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी। एक का नाम पाप मोचनी, जीवन का पाप खत्म जाएगी। आप 24 एकादशी 15 दिन में एक एक एकादशी आती है, देखना एक एक एकादशी अलग अलग फल है। किसी घर में बड़े दुख कष्ट था, एकादशी व्रत की दुख कष्ट खत्म हो गए। जिसकी नौकरी चाकरी हो रही, एकादशी व्रत क्या नौकरी चाकरी मिल गई। आप स्वयं पढ़ करके देखना, जरूर एकादशी व्रत जरूर आप लोग रखना, ठीक है ना? एकादशी व्रत करना, प्रभु की माला जप करनी चाहिए। कल मैंने बहुत बहुत बात बताया, कलयुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुमेरी उतर ही पा रहे, ठीक है ना? इसलिए सवेरे नहा धो कर थोड़ी समय भगवान के लिए देना, ठीक है ना? कम से कम 10-15 मिनट नहा धो करके ठाकुर घर में बैठना। और पिछली बार में कुछ लोगों को माला दे कर गया था, किस माला दिया था? हाथ उठा तो। और ये माला जब कर रहे हो ना, घर में लटक रहा है माला लटक रहा। हाँ नहीं, माला नहीं लटकानी चाहिए, अंतिम समय में यही काम में आएगा और कोई काम में नहीं आएगी तुम्हारी। कोई भी एक सुई धागा भी आग बंद करते ही एक सुई धागा भी यहाँ से जाने वाले नहीं, सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। आगे जाएगी पायोगी में राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का भजन करोगे वो जाएगी, ठीक है ना? जिन लोगों ने माला लिए हो सबरे नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर घर में बैठो, बैठ करके माला लेकर कम से कम दो माला जप करो, ठीक है ना? दो माला जप करना, फिर दिन जब तुम्हारी फुर्सत होगी अपना काम से, बड़े सब स्कूल चले गए, पति काम में चले गए, घर में ऐसे बैठे हो इधर उधर काम नहीं करके भगवान के नाम जप करो, इसी से ही शांति और इसी से ही हमें सुख मिलेगा, ठीक है ना? सबके सब जो माला लिए हो सबके सब माला जप करना, ठीक है? और अब जिन लोगों की इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, यज्ञ को यज्ञ होगी, यज्ञ के बाद इधर आ जाओ, जय मंगल, यज्ञ के बाद में जिसकी इच्छा होगी हमको माला लेने की, हम माला लेकर के जाना और खूब भजन करना, ठीक है? अभी जय मंगल प्रभु जी, थोड़ी सी कुछ बताएंगे आपको। वंदेहम श्रीगुरुशिवभगवन्दं श्रीगुरुवैश्वतश्लोकं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साधवेतं सावधूतं।
परिजन स्वयं कृष्ण चैतन्य ओम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री ओम अज्ञान अधिविरान ज्ञानंजन सदा गया चक्षु नीलगरेण तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः ओम विष्णु पादाय आचार्य सिंहपणि श्री श्री मद्भक्ति विभूत बोधाय महाराज जी की गुरुदेव जी की जय समस्त गुरुवर्ग की जय जय वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु हे च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः समस्त आचार्य गुरुवंद की जय। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्रीमद्भक्ति विभूत बोधाय स्वामी महाराज जी के से अभय चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरु वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव बृंद के कोटि कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम। हमने जो सुना है अपने गुरुवर्ग से, आज हम वही कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हमने अपने गुरु से सुना था, एक बार वृंदावन में एक संत यमुना जी से स्नान करके मिले और एक माली के द्वार पे जाके खड़े हुए तो देखे माली के पास बहुत सारा गुलाब का फूल रखा हुआ था। तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम ठाकुर जी के लिए गुलाब का फूल खिला जाएंगे और उनके पास कुछ पैसे कम थे। उन्होंने पूछा कि माली ये फूल कितने का है। माली ने कहा ये डुलिया आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। तो गुरु आचार्य बोले कि ठीक है हमें ये डोलिया दे दीजिए। तब तक अकबर का एक शिष्य मतलब उसका जो क्या बोलते हैं जो दूत आया तो उसने कहा अरे संत रुको जरा ये फूल हम दो क्योंकि ये राजा अकबर को चढ़ेगा फूल। माली ने कहा कि आप कौन हो। बोला हम अकबर के दूत हैं। तो माली ने संत ने पूछा कि भाई तुम अकबर के दूत हो क्या हुआ हमको फूल हम अपने ठाकुर के लिए लेना चाहते हैं। बोला तुम जानते नहीं ये दिल्ली का बादशाह है राजा। तब मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ भाई दिल्ली के बादशाह का बोल रहा है कि हमारा राजा दिल्ली का बादशाह है। तो उन्होंने कहा हमारे मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है और ये हमको बोल रहा है कि दिल्ली के बादशाह के लिए हम फूल लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इनको फूल मत दो हमें फूल दो। बोले भैया इन्होंने 50 पैसा लगा था हम आप कितना लगाएंगे। तो बोला हम 2 रुपया देंगे। तो संत ने कहा हम 5 रुपया देंगे। तो उसने कहा नहीं हम 20 रुपया देंगे। संत ने कहा हम 50 रुपया देंगे। उसने कहा हम 70 रुपया देंगे। संत ने कहा हम 80 रुपया देंगे। उसने कहा हम 90 देंगे। संत ने कहा हम 100 रुपया देंगे। तो जो उनका अकबर का जो दूत था वो तो बोला अरे बाप रे बाप ये तो 100 रुपया दे दिया हम 100 रुपया लाके कहाँ से देंगे। अकबर सुनेगा तुमको मार के भगा देगा। जब माली ने कहा भैया ये 100 रुपया दाम लग गया अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो नहीं तो हमको संत जी को दे देंगे। अकबर जो था वो तो भाग गया। तो संत ने देखा उनके पास सिर्फ 1 रुपया पड़ा था और उन्होंने 100 रुपये का दाम लगा के रख दिया था। संत बड़े आश्चर्य हुए। वो फिर अपने घर पे गए और जितने उनके बर्तन गए घर के जो सामान थे समाज उन्होंने बेच दिया। तो हम लोग है अपने जेब में पैसे रखते हैं फिर भी ठाकुर जी के लिए सेवा नहीं देते। संत जब वो फूल को लेके गए ठाकुर जी के लिए सुंदर माला बनाए और वो जब माला अपने ठाकुर जी को चढ़ा तो व्यापा के बिहारी जी का मंदिर में आरती हो रही थी। उन्होंने अपना सर झुका दिया तो वहां के संत ने कहा अरे ये ठाकुर जी का सर क्यों झुक गया। ठाकुर जी ने अपने संत से कहा किसी भक्त ने अपनी पूरी संपत्ति बेच के हमें दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ठाकुर जी की सेवा की कितने महत्व है। ठाकुर जी की सेवा की इसलिए रामा की 2 मुट्ठी ठाकुर जी खाए। जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे उसमें क्या कि हाथ पकड़ ली। बोले नहीं और मत खाया करो 2 मुट्ठी खाए
तो उस घर में सारी संपत्ति उस घर में पहुंची गई। अगर तीसरी रोटी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी उसके घर में दासी बन जाओगी। मतलब भगवान को देने का कितने महत्व है, ठाकुर जी के देने का कितने महत्व है। और ठाकुर जी है ना सब ग्रहण नहीं करते। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन का घर में आए वो उनके लिए छापन भोग और छत्री से व्यंजन बनाए, लेकिन भगवान उलट करके भी प्रभु देखे नहीं। लेकिन प्रभु विदुर जी के घर में गए और भगवान साग भाजी और केले का छिलका ठाकुर जी केले का छिलका खाए। मतलब क्या है, भगवान सबकी वस्तु को ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे संसार में शादी हो तो क्या कहते हैं, बेटी के लिए लाख लाख रुपया हम खर्चा कर देते हैं, बेटी के लिए हम लाख लाख रुपया हम खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है ना फिर देना बड़ा कठिन होता है। ठाकुर जी की सेवा की बात आती है उसमें देना बड़ा कठिन। क्यों, ठाकुर जी तुमसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी से लेते हैं वही ठाकुर जी की सेवा तो वही कर सकते हैं। सबका चीज भगवान ग्रहण को प्रभु की भजन करे, प्रभु की भक्ति करे। केवल इसी भाव से वो वृंदावन से संतों को बुलाते हैं और यहाँ पर कथा करवाते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, इसलिए तभी आपको माला जप करने की बात करते हैं। माला जप करो, गंदी चीज छोड़ो, सत मार्ग में चलो, घर में भगवान की भजन हो। घर जिस घर में प्रभु की भजन हो घर नहीं वो गोलोक वृंदावन बन जाए। और इनकी परिवार लोग, इनकी जो माता जी, इनकी जो बहन लोग बढ़िया बढ़िया रोज रोज हमारे लिए सुंदर सुंदर प्रसाद बनाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं। इसलिए हम लोग इनके लिए जय मंगल प्रभु जी और श्री इनके परिवार, इनका पिता माता भाई बहन सबके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी इन सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, ये खूब हलते फुलते रहे और खूब भगवान की भक्ति ऐसे करें। आप इनके लिए बजा ताली बजाओ। देखो इन इच्छा में कुछ कुछ भक्त लोग कुछ ना कुछ दान दिए। भगवान की भागवत कथा की इतने महत्व है, जो केवल एक माचिस की काठी, एक माचिस की अगर काठी अगर कोई ये भागवत कथा में दे दिया भगवान उसको पर में भी कृपा ठाकुर जी करते हैं। और भागवत में तो यहाँ तक बताए आदि तबा अनुमोदित। अगर कहीं कथा हो रही है, अगर इतनी सी बात कोई बोल दे ना भाई भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहते हैं केवल इतनी सी अगर कोई बात बोल दे, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जितने पापी से पापी क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति पाप मुक्त होकर के वैकुंठ चला जाता है अगर इतनी सी बात कोई बोले। इसलिए यहाँ पर सब भक्त लोगों ने कुछ ना कुछ भागवत कथा में दिए हैं। इसलिए मैं सब आपकी तरफ से ठाकुर जी की चरण में, बांके बिहारी की चरण में हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग ने कुछ ना कुछ इसमें तन मन धन किसी तरह से दिए हो, ठाकुर जी आप सबको ऊपर में ठाकुर जी का आशीर्वाद हो। आप लोग खूब फलते फूलते रहो, खूब संसार में सुख और शांति में रहो। इसलिए आप लोगों के लिए खूब जोर से ताली बजाओ। और जिन लोगों ने कथा सुनने के लिए आए हो, हैं कथा सुनने के लिए आए, देखो सभी का घर में कुछ ना कुछ काम है। लेकिन आप लोगों ने सारे संसार की मोह ममता को छोड़ करके दो दो तीन तीन चार चार घंटा यहाँ पर बैठे हो। अगर मैं भी आ जाता कथा भी सुनाता, लेकिन अगर आप लोग कोई सुनने वाले नहीं होते तो फिर कथा किसको सुनाता। अगर परीक्षित महाराज ने
नहीं होते सुखदेव गोस्वामी कथा सुना पाते, इसलिए आप सबके सबसे परिचित महाराज, इसलिए आप लोग के लिए खूब जोर ताली बजाओ जोर से। और इन्हीं कथा में हमारे श्री माई के वाले प्रभु जी, ये प्रभु जी ना काफी व्यक्ति का है, इन्होंने बहुत परिश्रम किया। देखो बीच में आंधी तूफान आया, कुछ टूट फूट गया है, कुछ वस्तु का नुकसान हुआ, लेकिन वो बच्चा बड़ी कोशिश किया, बड़ी माई की लगा है, बड़ी कभी बोले तो इन्होंने और लेकर के आ गए, बढ़िया से कथा दिया माई। इन्होंने बड़ा परिश्रम, हम रहते ना बड़ा परिश्रम करते, इसलिए ठाकुर जी को सेवा भी जो थोड़ी सी करता है, ठाकुर जी एक दूसरा झोली भरते थे, ठाकुर जी उसकी झोली भरते खड़े हो जाए, इसलिए ठाकुर जी बच्चे को ऊपर में, और तुम्हारे सब कहाँ गए, तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ गए, सब्जी लाने के लिए प्रभु लोग आए, कितने सुंदर भजन गाए आप लोग, सबके सब उन्होंने नचाया, हमारे श्याम चंद्र प्रभु कितने सुंदर कैसी हो जाए, और आप लोगों को नृत्य करवा रहे, और हमारे क्या प्रभु जी का नाम अमित वशिष्ठ जी ब्रजवासी लगा वृंदावन ब्रजवासी वशिष्ठ जी ब्राह्मण है, और हमारे श्री संजीव है कहते श्री संजीव प्रभु जी बड़े सुंदर ढोलकी बजाए, अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए, ठाकुर जी कोबर में कृपा करें। और मेरे को भी तो कुछ देनी चाहिए ना, कथा सुन करके अगर कुछ नहीं दिए फिर कथा सुनने का फल मिलता है, इसलिए आप लोग मेरे लिए आशीर्वाद दो, हाँ एक ताली बजा करके नहीं मेरे को आशीर्वाद दो, जैसे मैं खूब आप लोग सेवा करते रहो, साधु संत की ऐसे सेवा करते रहो, आप लोग मेरे लिए आशीर्वाद देना, ठीक है, जैसे सारा जीवन भक्ति जगत में रह करके सारे संतों की वैष्णव की भक्तों की सेवा कर सकूं, आप लोगों का सेवा कर सकूं, ये सबके सब मुझे आप लोग का आशीर्वाद देना, ठीक है। और हरे कृष्णा, जब ये भक्त और उनका नाम बताना चाहते हैं, पहले से जो दिए उनका नाम बोलो बोल। श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय हीरालाल यादव 101 रुपया, राजेंद्र प्रसाद यादव भगवान 51 रुपया, लालता प्रसाद यादव भगवान 51 रुपया, रामचंद्र यादव भगवान 51 रुपया, मुरारी शर्मा भगवान 200 रुपया, सुषमा पुत्री हीरालाल यादव 1211 रुपया, सुनीता पुत्री हीरालाल यादव 111 रुपया, प्रियांशु ज्वेलर्स सुरियामा 51 रुपया, राम बहादुर सिंह भगवान 51 रुपया, राजे यादव भगवान 51 रुपया, सोमनाथ यादव ज्वाला 1051 रुपया, शिव शंकर यादव भगवान पुत्र रामदास यादव 101 रुपया, लालचंद यादव भगवान 101 रुपया, रमा शंकर यादव विधायक 251 रुपया, राजकरण माली किंदवा 100 रुपया, केशवनाथ यादव भगवान 201 रुपया, खींचलाल गौतम भगवान, श्री हरिशंकर यादव भगवान 2111 रुपया, 51 रुपया, राम शिरोमणि यादव भगवान 101 रुपया, लालजी यादव भगवान 501 रुपया, मोहनलाल यादव चौधरी और उन्होंने आरोप सब्जी भी भेज दिया है 50 रुपया, पवलोन यादव पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम यादव भगवान 211 रुपया गुप्त दान किए हैं, कोई दानवीर है 50 रुपया, राजेश यादव पुत्र स्वर्गीय श्री दीनानाथ यादव भगवान 101 रुपया, रमा शंकर यादव कुटुल भगवान उन्होंने कुछ आटा वेट किया है। जिन्होंने भी भागवत कथा में जो सहयोग किया है उन्हें गुरु जी महाराज जी अपने हम लोग से आशीर्वाद। तो एक रुपया चंद्रा देवी स्वर्गीय राजनाथ गौतम भगवान 101 रुपया, राजनारायण उपाध्याय भगवान 101 रुपया,
हरे कृष्ण रमा शंकर दुबे दुलहीपुर 51 रुपया शारदा हरिजन पुत्र स्वर्गीय राजनाथ गौतम 200 रुपया कुटल यादव ग्राम हियाई दुआले हाँ हरे कृष्णा हाँ जिन लोग भागवत कथा में कुछ ना कुछ रूप में बजती हो ठाकुर जी सब देख रहे हैं ठाकुर सब जानते हैं ठाकुर जी सब लोगों को पर आशीर्वाद दे हम लोग खूब संसार में फलते फूलते रहो और संसार में खूब खुश रहो शांति में रहो ठीक है अभी भागवत की आरती होगी प्रभु जी कहाँ चले गए आ जा ठाकुर जी आरती लगा ठाकुर जी आरती हाँ अभी यज्ञ होगी सबके सब यज्ञ में बैठना ठीक है अपना घर से थोड़ी थोड़ी घी लाए हो कोई कोई लाएगी थोड़ी थोड़ी घी कौन कौन लाए थोड़ी घी ठाकुर जी अभी यज्ञ में जो यज्ञ होगी ना ये वैष्णव होम है ये साधारण होम नहीं उसमें भगवान नरसिंह देव का नाम पर भी होम करेंगे तो मंत्र जप करने से घर का सारे दुख कष्ट हमारी दूर हो जाती है अभी आरती आरती करो हाँ सब पहले खड़े हो जाओ आरती के लिए सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाते है तारती श्री भागवत
के बर्फ बन के आए थे की। बोलो भगवान के भक्त वृंद की।